जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसकान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर नावेश खान। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज है संडे और संडे के रोज हमारे फिटनेस गुरु आदिल बर्फीस हमारे साथ होते हैं, तो बिल्कुल आदिल हमारे साथ हैं। आदिल को लेते हैं ऑन एयर। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया और हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं एक दफा फिर वेलकम करते हैं शो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महवेश जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताए आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, ग्रेट। और कराची में खूब बारिशों का सिलसिला है इस वक्त? जी बारिशों का सिलसिला तो वक्फे वक्फे से जारी है। कभी जो है वो धूप निकल आती है, कभी जो है वो बारिश तेज हो जाती है। लेकिन ये कि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ का नरम गरम है, तो इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई अभी इस साल। अच्छा, अभी तक तो सही जी से। जी लेकिन अभी बारिश बिल्कुल सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई थी। अच्छा सही सही, और उसमें जो है वो थोड़ा सा पानी वानी हाँ वो जमा हो गया था। लेकिन ये कि अभी मेरे ख्याल से होगी और फोरकास्टिंग है बारिश की मजीद ना। अभी तो जुलाई चल रहा है ना, स्पेशली जो बारिश होती है असल में वो तो अगस्त में होती है। जी 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 बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगस्त में जैसे बकरा ईद अभी आने वाली है, तो शायद बकरा ईद के वक्त हो जाए या फिर बकरा ईद के बाद हो जाए, है प्रेडिक्शन है हो सकती है बारिश। सही सही, अच्छा है मौसम। लेकिन ये कभी जैसे ही बारिश खत्म होती है तो कुछ बहुत ज्यादा वैसे ही गर्मी हो जाती है। हाँ अच्छा सही सही चले, लेकिन ये अच्छी बात जैसे, है जैसे पहले होता था ना कि बारिश होती थी और फिर उसके बाद जो है वो वेदर बहुत अच्छा हो जाता था। हाँ। और वैसे रहता था। हाँ। अब जो है वो ऐसा होता है कि बारिश होती है। हाँ। लेकिन फिर थोड़ी देर में गर्मी भी। हाँ। थोड़े चेंजेस आ रहे हैं अपना वेदर। हाँ, सही सही चले। खैर इंशाल्लाह ताला बारिश हो तो रही है ना, तो डेफिनेटली वहाँ का मौसम तो अच्छा हो ही जाएगा, वो अच्छा गुजर ही जाता है कराची का टाइम से उस वक्त। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी आता है। तो आज हम किस हवाले से किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले? अच्छा देखें, लास्ट टाइम हमने जो है वो मसल मास गेनिंग के लिए बात की थी और उसमें फिर एक टॉपिक जो है वो आया था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ, और बाकी लोग जो भी फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने जब नई नई फिटनेस में इसमें आया था, इस चीज को थोड़ा पढ़ा था और नॉलेज ली थी, तो मुझे बड़ा ज्यादा बहुत बड़ा टैबू है और बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। कुछ लोग इसको जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, वो है सप्लीमेंटेशन। ठीक है बिल्कुल, सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन घूम रहे हैं हमारे खास तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, हमारे पाकिस्तान इंडिया इवन के शायद मिडल ईस्ट में भी लोग जो है खासतौर पर माँ बाप बहुत ज्यादा उसको डेंजरस समझते हैं कि सप्लीमेंट तो आपने ले लिया तो वो आपके जो है ना वो स्टीरॉइड को उससे मिला देते हैं लोग जो है, और सप्लीमेंट को समझते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस है। हालांकि सप्लीमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल और वो अगर आप प्रॉपरली लें, प्रॉपर क्वांटिटी में लें और आपको पहले जाने कि आपको कौन सा सप्लीमेंट अच्छा लगता है कौन सा करेगा, तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं आपके गोल्स के अंदर ना। और मैं तो कहता हूँ कि डेली रूटीन में हर कोई सप्लीमेंट ले रहा है, हम जो है वो हर कोई सप्लीमेंटेशन का है तो ले रहे हैं। इवन के जो हम देखें जब बच्चे होते हैं, मैंने किया था, बच्चों को भी सप्लीमेंट दिया जाता है, फिर हम बड़े होते हैं फिर हम मल्टीवाइटमिन्स वगैरह लेते हैं, या फिर डॉक्टर्स अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती है तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कुछ मल्टीवाइटमिन्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं
फिर हमें विटामिन डी या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो हम वो भी ले रहे होते हैं, तो वो क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करता है तो हम ले लेते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम उससे पहले अगर हम अगर वो डेंजरस हमारे ऊपर तो वो हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है और हमारी हड्डियां वगैरह सब मजबूत हो जाएंगी। तो इस चीज की नॉलेज नहीं है हमारे लोगों को और वो इसको जो है वो गलत भी समझते हैं। तो देखिए मैं सप्लीमेंट्स के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो है वो डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स होते हैं, आपके गोल्स के हिसाब से लोग लेते हैं सप्लीमेंट्स। किसी को मास मसल मास बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स काफी आते हैं, फिर फैट लॉस के लिए काफी सप्लीमेंट्स आते हैं या फिर काफी चीजें हैं जो फैट लॉस में मदद करती हैं, तो नॉर्मली जनरली भी लोग ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी उसको जरा जानना पड़ेगा और कितनी मिकदार में लेना है कैसे लेना है वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं अगर फैट लॉस के बारे में हम फैट लॉस को कवर कर लेते हैं तो फैट लॉस की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में ले भी रहे होते हैं और हमें और मजीद उसको जो है अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा उस लिहाज से और उसके उसकी नॉलेज में इजाफा करना पड़ेगा ताकि हम उसको सही मिकदार में सही तरीके से ले सकें। अब जैसे कि मैं आप अगर फैट लॉस या फिर अपनी मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है उसको इंक्रीज करने के लिए एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है कैफीन, ठीक है। कैफीन जो है वो हमारी चाय में भी मौजूद होता है और कॉफी में भी होता है, ठीक है। तो उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, काफी लोग जो है वो चाय कॉफी नहीं पीते या फिर उनको अच्छी नहीं लगती तो वो उसके सप्लीमेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो मैं कैफीन के सप्लीमेंट्स को जो है वो सजेस्ट नहीं करता कि लोग लें। आप कैफीन चाय और कॉफी में एज अ थर्मोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि वो आपका मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करे और आप जो है वो फैट लॉस की तरफ जाएं, ठीक है। तो आप अगर उसको सही टाइम पे लेंगे सही मकदार से लेंगे तो वो आपको जो है वो बिल्कुल हेल्प आउट करेगा। कैफीन कैफीन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो आपको जैसे कि चाय से भी मिल सकता है और कॉफी से भी मिल सकता है। मैं प्रेफर करूंगा लोगों को कि वो कॉफी से कैफीन लें और एक्सरसाइज से पहले आधा आधा टीस्पून, जैसे कि किसी ने कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है जैसे कि जॉगिंग रनिंग स्किपिंग, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी कैफीन हाफ टी स्पून या फुल टी स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड पानी में विदाउट मिल्क ब्लैक कॉफी लें आधा घंटा पहले, आधा घंटा 15 मिनट पहले उसको लें। वो फौरन जो है आपकी बॉडी में जो है वो उसका जो सब्सटेंस होता है वो फौरन रिएक्ट करता है और आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। तो आप जैसे कि 50% अगर आप अपने लेवल पर है ना तो वो 50% को बढ़ा के 70-80% कर देगा आपके फैट लॉस को, इतना बूस्ट कर देता है वो आपको ना, मे बी शायद उससे भी ज्यादा। तो आप थोड़े आप कैफीन जो है मैं एक अगर आपको खुदा ना खासा कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है और आप वैसे सही हैं तो आप कैफीन की मिकदार बढ़ा सकते हैं और ये बहुत बड़ी टिप है। और हम भी जब एक्सरसाइज या कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन करते थे तो कैफीन की मिकदार बढ़ाते थे और एक्सरसाइज या फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी से पहले हम थोड़ी सी कैफीन देते थे ताकि हमारा फैट लॉस बूस्ट हो और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी रिजल्ट मिले और काफी लोगों को रिजल्ट मिलते हैं इससे कैफीन से। जबरदस्त। तो आप कैफीन यूज करें थोड़ी सी, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, हार्ट की कंडीशन अच्छी है, कुछ लोगों को कैफीन एलर्जी भी होती है तो वो ना लें जैसे कि हार्ट कंडीशन कुछ की खराब होती है। फिर दूसरी बात मैं करूंगा ग्रीन टी की। ग्रीन टी जो नॉर्मली पी रहे होते हैं ये भी सप्लीमेंट है। अच्छा, ये भी सप्लीमेंट है और लोग इसको जैसे चाय के तौर पे लेते हैं लेकिन ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक वो होता है, ग्रीन टी का जो पौधा होता है उससे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं। सही इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसके टेबलेट्स आते हैं जो सिर्फ ग्रीन टी के जो कंपाउंड है उसको जो है वो उसके अंदर होती है उसके इंग्रीडियंट्स उसको खाते हैं बाकायदा। तो उसको खाने के बजाय मैं यही आप लोगों से जो भी सुन रहे हैं दरख्वास्त ये करूंगा अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो ग्रीन टी यूज करें दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। हर खाने के बाद ले लें, दोपहर में अगर आपने कोई मील लिया अपना उसके बाद आप थोड़ी सी ग्रीन टी ले लें विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। अगेन आप अगर इसमें मिल्क या फिर शुगर डाल देंगे तो काफी लोग ग्रीन टी के अंदर मैंने देखा है कावे के अंदर जो है वो चीनी डाल रहे होते हैं तो पता नहीं वो किस तरह पी लेते हैं उसको। खैर वो हर किसी की अपने अपने टेस्ट की बात है लेकिन उसकी जो सब्सटेंस का जो वो है ना जिस्ट है मतलब के जो जो काम करना है उसने वो खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है अगर आप उसके अंदर चीनी या दूध डाल देंगे तो। सही, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रीन टी को आप जो है वो सिर्फ पानी के साथ जो है वो बॉईल करें
और उसको आप पी लें। यहाँ पे ग्रीन टी बैग्स आ रहे हैं आजकल, और बहुत ज्यादा पहले तो हम छोटे होते थे या फिर हम क्या कहते हैं बैग 5 to 4 years बैग या फिर मतलब ज्यादा कर लें 10-15 साल पहले ग्रीन टी का इतना रुझान नहीं होता था। इवन कि अब तो पाकिस्तान के अंदर पहले कंपनीज टी बैग्स भी नहीं बनाती थी इसके, आजकल जो है वो टी बैग्स भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के आ रहे हैं। ऑरेंज फ्लेवर ग्रीन टी मिल रही है, एप्रिकॉट फ्लेवर ग्रीन टी मिल रही है, उनके टी बैग्स आते हैं। तो मुझे पर्सनली एप्रिकॉट फ्लेवर वैसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो काफी फ्लेवर्स हैं, इवन के मिडल ईस्ट में भी बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो वहां से आप ग्रीन टी टी बैग्स ले लें, अपने ऑफिस के अंदर रख लें। आप जैसे कि कोई मील लेंगे आप दोपहर का, फिर उसके बाद आप शाम का मील लेते हैं, रात का मील लेंगे, उसके बाद आप थोड़ी सी एक टी बैग ग्रीन टी ले लें, या फिर आप नॉर्मली ग्रीन टी के जो वो है पाउडर या फिर वो उसके जो लीव्स हैं वो रख लें अपने पास, वो उसकी चाय बना लें। ग्रीन टी बहुत अच्छा है फैट लॉस के लिए, ग्रीन टी को यूज करें आप। और मैं तीसरा जो मैंने पहले भी बताया था, तीसरा सप्लीमेंट जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है फाइबर। फाइबर ठीक है, फाइबर के साशे भी आते हैं, फाइबर इस होल को भी कहते हैं। ठीक है, तो फाइबर भी आप यूज करें, खाने से पहले यूज करें, निहार मुंह यूज करें, उससे भी आपका फैट लॉस बहुत बूस्ट करेगा। फिर चौथा और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं या फिर एथलीट्स हैं वो बाहर तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली यूज करते हैं, हमारे यहाँ इतना कॉमन यूज नहीं होता, चीजें ना हो या साइड इफेक्ट ना हो कोई इसका। अच्छा आदिल, आपको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा चौथा सप्लीमेंट, वे प्रोटीन। अच्छा अच्छा सही से थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी। अच्छा 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 ठीक है जी। मैं दोबारा से बता दूं, मैं देखिये मैं चौथी सप्लीमेंट के ऊपर था और उसका नाम है वे प्रोटीन। ठीक है, मैं वे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ कि वे प्रोटीन जो है वो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न ममालिक में तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं लोग, और पाकिस्तान या इंडिया में और जो मिडल ईस्ट में लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि उसको थोड़ा वो समझते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है वो। वे प्रोटीन इतना सस्ता नहीं मिलता पाकिस्तान इंडिया में, जैसे कि मैं पाकिस्तान में बताऊं तो 9,000 से लेके 12,000 रुपए का मिलता है 5 LBs का। अच्छा, 5 LBs यानी के 80, 77 या 87 होती है उसके अंदर, तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके छोटे पैकेट भी आते हैं, 1 LB का भी आता है, 2 LB का भी आता है। तो जिसने यूज करना है तो वो जो बजट के ऊपर है वो बेचारा 1 LB ले ले या 2 LB ले ले, और उसको अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा शामिल करें, क्योंकि वे प्रोटीन जो है इज द प्रीमियम और फाइनेस्ट प्रोटीन। ठीक है, वो रिसर्च से साबित है कि वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन है, और एक एक तो वो आपकी बॉडी पे असर बहुत अच्छा डालता है। जैसे कि हम चिकन से लेते हैं या एग से लेते हैं प्रोटीन, या फिर मीट बीफ से लेते हैं, तो वो जो प्रोटीन होते हैं ना वो एक तो डाइजेशन में बहुत जो है वो टाइम लगाते हैं। अच्छा सही, वे प्रोटीन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में, और वो डायरेक्टली आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना एनर्जी की और मसल रिक्वायरमेंट, वो उसको बहुत जल्दी अच्छे तरीके से पूरा करता है, और विद इन 15 to 20 मिनट वो क्या कहते हैं अगर वो माइक्रोनाइज्ड हो या सोलेबल हो तो वो बहुत जल्दी जो है आपके जिस्म में जो है वो रिएक्ट करता है और आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट उससे मिलते हैं। दूसरी चीज ये कि वो बहुत ज्यादा प्रीमियम इस वजह से भी है कि वो दूध से बनता है। सही है, सही, वो जो वे होता है ना वो समझ लें एक तरीके से चीज होता है ना, वैसी एक कंपाउंड होता है दूध से निकलता है। सही, वो सही। बकरी के दूध से भी निकलता है, कैमल के दूध से भी निकलता है, और इनसे भी निकलता है जो काऊ मिल्क है। सही, तो सही। वो बहुत ज्यादा फाइनेस्ट, उसको बहुत ज्यादा प्योर करके और फाइन करके जो है ना वो निकाला जाता है, फिर जाके वो बनता है, इस वजह से काफी एक्सपेंसिव भी है। तो डिफरेंट किस्म के वे प्रोटीन आते हैं, मैं क्या कहते हैं मैं जनरली जो है वो नॉर्मल जो वे प्रोटीन है वही प्रेफर करता हूँ, मैंने यूज भी वही किया। एक तो वो थोड़ा और बहुत सारे आइसोलेट एक आइसो प्योर भी आता है, आइसोलेट वे प्रोटीन आता है, कुछ वे प्रोटीन ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो है वो दूध से नहीं बने होते, वो पता नहीं किसी और चीज से बने होते हैं, कोई और कंपाउंड होता है उनका, लेकिन प्रोटीन प्रेफर करूंगा, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और अच्छा होता है, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। जैसे कि 15,000 की भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर वे प्रोटीन, तो आप नॉर्मली जो वे प्रोटीन है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वो ले लें। बहुत सारी और कंपनीज हैं, BSN है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है,
और यूनिवर्सल न्यूट्रिशन है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो वे प्रोटीन बेच रही हैं बहुत ज्यादा। अगर आप सर्च करेंगे मार्केट के अंदर तो बहुत बेतहाशा वे प्रोटीन है, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में। तो सबसे ज्यादा टॉप फाइनेंस जो bodybuilding.com ने भी कहा है और उनकी रिसर्च भी है, सबसे ज्यादा अच्छा वे प्रोटीन न्यूट्रिशन वालों का है। वो सप्लीमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी कंसेक्यूटिवली जीत रहा है। तो आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन यूज कर लें, बहुत अच्छा है। सही। फिर उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं और कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। मल्टी वाइटामिन बहुत अच्छे हैं। मल्टी वाइटामिन आप सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं, आप जनरली भी अपनी अपनी डाइट में और अपनी रूटीन में शामिल करें। हर कोई सही। जो भी एडल्ट है वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज में मल्टी वाइटामिन शामिल करें। सही। वे प्रोटीन का मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, वे प्रोटीन जो है वो बच्चों के जो सप्लीमेंट्स है ना, जैसे कि जो बच्चे ले रहे होते हैं उसके अंदर भी वे प्रोटीन होते हैं। सही। डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो आप मतलब कि इतना लोगों ने बहुत ज्यादा मिथ बनाई हुई है कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है वे प्रोटीन मत लें, उनके आर्टिकल्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसमें भी मैं देखता हूँ। तो नॉर्मली जो है वो वे प्रोटीन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता। आप एक स्कूप ले सकते हैं पर डे, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद ले लें या फिर एक्सरसाइज से पहले ले लें और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है वे प्रोटीन से। तो इवन के जब बच्चे खा सकते हैं, बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं और उनको वो पावर दे सकता है। तो एडल्ट को तो बिल्कुल ही दे सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और माँ बाप से मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे, जैसे कि मैं भी जब छोटा हुआ करता था तो जैसे कि मैंने वे प्रोटीन लिया अपना पहला, तो मैंने अपने बेड के नीचे छुपा के रखा हुआ। अच्छा। सही। हाँ, ताकि कोई देखे ना और ये ना मुझे बोले कि तुम ये क्या खा रहे हो। अच्छा। तो ये चीजें होती हैं कि माँ बाप को भी ज्यादातर नॉलेज नहीं होती लोगों को, तो इस वजह से वो अपने बच्चों को भी मना करते हैं कि ये चीजें मत लो और ये अच्छी नहीं होती है वो। हालांकि आप अगर इसके बारे में, अगर माँ बाप को भी जो है वो इसके बारे में नॉलेज लें, पढ़े, और अगर कोई बच्चा जो है वो 20-21 साल का है, वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट खाने से पूरी नहीं हो पा रही, तो वो अगर अपना अच्छा रिजल्ट लेने के लिए वे प्रोटीन यूज करता है तो उसको 2 LB का डब्बा या 1 LB का जो है वो बैग वो दिला दें उसको शुरू में, तो वो थोड़ा वो उसका वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही सही। और वो अच्छी जो ट्रेनिंग भी करेगा और वो बुराइयों से भी बचेगा। जो एक्सरसाइज और ये जो फिटनेस की जो चीजें ना, आजकल अगर कोई लड़का कर भी रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि घर वालों को उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो और चीजों में नहीं है, किसी एडिक्टिव जो है वो उसमें नहीं पड़ा हुआ या फिर वो फालतू अपना टाइम जाया नहीं कर रहा किसी और गैजेट्स के अंदर। तो उस चीज को इनकरेज करना चाहिए माँ बाप को कि लड़का अगर जिम जा रहा है या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में है तो वो उसमें उन चीजों में उनको बच्चों को सपोर्ट करें माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, रेशान खान ने सवाल किया हुआ है आपसे। आदिल परवेज सर, स्पेशल सलाम आपको और खुश आमदेद। और हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे घर में ग्रीन टी यानी कहवा इस्तेमाल होता है, चीनी नहीं डालते लेकिन उसके साथ थोड़ा गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ठीक है? गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो काफी लोग वो गुड़ इस्तेमाल करते हैं, गुड़ भी बहुत अच्छा है, गुड़ के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन उसको आप साथ, मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कहवा जो है वो फिर सिर्फ कहवा यूज करें। अगर आप नियत ये है कि ये जो प्याला मैं पी रहा हूँ ये मैं फैट लॉस की नियत से पी रहा हूँ, तो फिर उसके साथ गुड़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ लीमू ले सकते हैं, लीमू बहुत अच्छा है, लीमू बहुत बूस्ट करेगा उसको। सही सही सही, ठीक ठीक है। उसको उसके उसके अंदर आप 6-7 ड्रॉप जो है वो लीमू के इस्तेमाल करें और उसमें फिर आपको हेल्प करेगा वो आपके डाइजेशन में। वो जो कावा के साथ आप गुड़ ले रहे हैं ना, वो भी आप टेस्ट के लिए ले रहे हैं कि आपको अच्छा बेहतर टेस्ट आए, तो वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गुड़ जो है वो भी उसकी जो मेन जो उसका फीचर है ना कावे का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा करना और फैट लॉस को बूस्ट करना, वो उस चीज को खत्म करेगा या फिर उसको मिनिमाइज करेगा, उसको कम कर देगा। सही। ठीक है। तो मेरा अगर आपने पीना है तो आप पिए, लेकिन उस नियत से मत पिएंगे भाई मैं जो है वो ये चर्बी काट रहा है या फिर वजन कम कर रहा है, मैंने करना है तो इस वजह से मैं पी रहा हूँ। ठीक है। आई होप कि इनको जो है सीख का जवाब मिल गया होगा। जी आदत आप कुछ बता। अच्छा, रहे थे तो दूसरी दूसरा जो है वो पांचवा, मैं छठा बल्कि जो है फोरमोस्ट फैट लॉस के लिए जो सप्लीमेंट मैं बताऊंगा वो है एल कार्निटिन। अच्छा,
एक कंपाउंड है BCAA जो होते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो थोड़ा मैं समझ लें पीछे से कुछ जार्गन्स यूज कर रहा हूँ जो लोगों को शायद इतने समझ ना आ रहे हो, लेकिन ये कुछ सप्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एल कार्निटिन एक कंपाउंड होता है, अमाइनो एसिड होता है, जो BCAA का भी पार्ट है। BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ये प्रोटीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के अंदर भी बहुत कम मिकदार में होते हैं। अमाइनो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, जो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को तेज करता है। सिंथेसिस समझ लें एक कोई फैक्ट्री होती है ना, आपका जिस्म एक समझ लें फैक्ट्री है, उसमें जो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। सही सही, ठीक है। एक तो वो प्रोटीन को नाम फिर से बता दें, इस प्रोटीन का नाम एक दफा फिर से थोड़ा सा ठहर के बता दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। किसका किसका जो आपने अभी प्रोटीन का नाम लिया था ना, कि ये जो 6 नंबर पे प्रोटीन है, इसका नाम मुझे भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा नाम से बता दें। जी जी, उसका नाम है एल कार्निटिन। ये प्रोटीन नहीं है, ये अमाइनो एसिड है। अच्छा अच्छा, अमाइनो एसिड, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, कार्निटिन है, ये प्रोटीन को बनाने में मदद देता है। सही सही, आपके जिस्म के अंदर जो प्रोटीन है उसको, उसका जो सिंथेसिस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन जो है आपके मसल्स में इंफ्यूज करने में, आपके मसल्स में इंजेक्ट करने में, आपके मसल्स को उस तक प्रोटीन तो आपने पी लिया, उसके बाद आपके मसल्स पे वो जब कैसे लगेगा जिस्म के अंदर, उसके लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। हर प्रोटीन, वे प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, या फिर हमारे खाने में भी अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं हमारे डाइट के अंदर। लेकिन कुछ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा मिकदार में लेने पड़ते हैं रिजल्ट्स के लिए। तो काफी BCAA के सप्लीमेंट्स अलग से आते हैं। सही सही, एक तो वे प्रोटीन में होता ही होता है BCAA, लेकिन BCAA अलग से भी आता है। सही। और उसी BCAA में एल कार्निटिन एक कंपाउंड है अमाइनो एसिड का, जो बहुत ज्यादा उसको बूस्ट करता है फैट लॉस को। जैसे कि हम अभी आज फैट लॉस की बात करें कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए, तो उसमें BCAA जो है वो, उसमें एल कार्निटिन जो है वो सेपरेटली मिल जाता है। कुछ लोगों को ज्यादा, जैसे कि अगर उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा तो वो एल कार्निटिन ले सकते हैं, ठीक है। एल कार्निटिन मेरे ख्याल से 1-2 टेबलेट लेनी होती है दिन में, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी नेचुरल है, कोई इतना कोई डेंजरस नहीं होता वो, मतलब मेरा मतलब अगर डेंजरस होता ही नहीं है वो, तो आप उसको ले सकते हैं। आप देखें अपनी अपनी बॉडी को पहले जानेंगे, अपनी बॉडी कोई कोई ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं दे रही अगेंस्ट द सप्लीमेंट, कहीं आपकी हार्ट बीट तेज हो रही हो या फिर आपको एक्नी हो रहा हो, अगर कुछ ऐसी चीजें फील कर रहे हैं तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है। क्योंकि हर किस्म की हर जिस्म की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और एवरी बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। लेकिन जनरली ये जो सप्लीमेंट के मैंने नाम लिए ना, ये हर किसी को सूट भी कर देते हैं, कर जाते हैं, और कोई इनमें प्रॉब्लम भी नहीं होती। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी की शिकायत नहीं, ऐसी कोई कंप्लेन में मुझे किसी ने नहीं की कि यार मुझे ये सप्लीमेंट सूट नहीं किया, या फिर मुझे जो है वो, जो सप्लीमेंट्स के ऊपर होती है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखे हुए होते हैं, उसमें ये बता रहे होते हैं वो कि आपको अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो आप इसको ना लें, या फिर आपको इसको लेते हुए अगर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी फील हो रही हैं तो आप इसको डिसकंटिन्यू करें, या फिर अगर आपको ऐसी ऐसी कंडीशन हैं तो आप अपने डॉक्टर से या फिर न्यूट्रिशनिस्ट होता है उससे रुजू करें, और उससे पूछें कि क्या मैं ये कंपाउंड ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो है ये जनरली जो सप्लीमेंट्स मैंने बताया, या फिर जो कंपाउंड, या फिर जो नेचुरल, जैसे मैंने ग्रीन टी के बारे में बताया, कैफीन के बारे में बताया, फाइबर के बारे में बताया, ये तो हम नॉर्मली डाइट से ले ही रहे होते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप नॉर्मली जनरली अपनी अपनी अपने जो है वो फैट लॉस को बूस्ट करने के लिए आप आराम से इसको ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुमानियत होगी किसी को इसको लेने में, यहाँ पर कोई आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। सही है, ठीक है। तो एल कार्निटिन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो ना ले, मतलब कि आपको दूसरी चीजों से भी काफी हेल्प मिल जाएगी, अपनी डाइट और एक्सरसाइज आप प्रॉपर। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग जो बहुत ज्यादा मार्केट में भी अवेलेबल है, जो फैट बर्नर्स है। अच्छा, सही। डिफरेंट किस्म के फैट बर्नर्स आते हैं, ठीक है। कुछ जो काफी में, जो मैं पहले भी एक दो के नाम ले चुका हूँ, मैं अभी भी लेता हूँ, जैसे कि हाइड्रोक्सिकट आती है मसल टैक की, और लाइपोसिक्स आती है न्यूट्रेक्स की, और जेनिड्रीन आती हैं, और भी 2-3 सप्लीमेंट्स हैं जो फैट लॉस में लोगों को मदद देती हैं, और काफी लोग जो है वो थक हार के फैट लॉस की तरफ भी जाते हैं।
फैट लॉस थोड़ी ऐसी 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 सप्लीमेंट जो फैट बर्नर्स हैं वो ऐसे जो है वो सप्लीमेंट हैं जो आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है काफी लोगों को थोड़े साइड इफेक्ट भी फील होते हैं। तो मैं तो पर्सनली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, कोई भी जिसका वेट इवन के 120 केजी है या 130 केजी भी है और वो दोबारा से आना चाह रहा है क्या कहते हैं अपने प्रॉपर फिट होना चाह रहा है तो उसको भी मैं सजेस्ट नहीं करता वो फैट बर्नर्स ले। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर आप प्रॉपर डाइट प्रॉपर एक्सरसाइज और ये कुछ थोड़े वो सप्लीमेंट्स या फिर अपनी 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 डाइट और एक्सरसाइज में शामिल करेंगे जो नेचुरल जो मैंने आप लोगों को बताया है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है कैफीन है इसबगोल है एल-कार्निटिन ले ना ले वे प्रोटीन तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज अलॉन्ग विद डाइट और एक्सरसाइज ये चीजें लेंगे और प्रॉपर कोच या प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करेंगे कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो फैट बर्नर की मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखें कंसिस्टेंट रहें और 3 से 4 महीने दें अपने अपने अपनी जिस्म को तो आपको रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और फैट बर्नर्स की तरफ जाएंगे। फैट बर्नर्स के अंदर मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ क्या क्या होता है। फैट बर्नर्स के अंदर जो है वो यही कंटेंट्स होते हैं, कैफीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं काफी उसमें फैट बर्नर्स के अंदर और 2-3 अमाइनो एसिड्स या फिर 2-3 ऐसी जो है वो आर्जिनिन कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है ना उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं और लोगों को जो है सबसे ज्यादा मेन साइड इफेक्ट मैंने देखा 1-2 साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा जो है लोग फेस करते हैं। एक तो उनको हार्ट रेट उनका इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट उनको जो है उनका बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देता है। फिर तीसरा जो है दूसरा जो उनको साइड इफेक्ट फील होता है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता, उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वो एक्नी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दाने निकल आते हैं आपको क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहुत एक्सट्रीम देखें इस रीजन में पाकिस्तान में वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। इवन के काफी लोग वे प्रोटीन जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैं लड़कों वगैरह को देख रहा होता हूँ तो वो कहते हैं कि हम लोग जो सप्लीमेंटेशन है वो हम सर्दियों में स्टार्ट करें, जो बिल्कुल जो पतले लड़के होते हैं या फिर जो उनका जिनका फोकस मास गेनिंग होता है तो वो ज्यादा जो सप्लीमेंटेशन है वो गर्मियों में सर्दियों में स्टार्ट करते हैं गर्मियों के बजाय, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सप्लीमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, ये जो नॉर्मल मैंने आप बताए वे प्रोटीन वगैरह तो वो उनकी बॉडी पर रिएक्ट सही प्रॉपर नहीं करते या फिर उनकी बॉडी को साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा और वो जो है वो इस वजह से वो इसको गर्मियों में नहीं यूज करते। तो फैट बर्नर जो है वो मैं इसी वजह से लोगों को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि एक तो अलॉन्ग विद द मेन इफेक्ट उसका जो फैट बर्निंग है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उनसे, लेकिन फिर आपको दूसरी चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। बिल्कुल। तो फैट बर्नर को मैं काफी लोगों को जो फीमेल्स हैं वो भी यूज करती हैं फैट बर्नर तो मैं तो अवॉइड करता हूँ और लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि फैट बर्नर वो ना यूज करें, नॉर्मली डाइट और एक्सरसाइज करें। अगर आप कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हैं या कंपेटिटिव हैं तब आप देख लेंगे आपको यूज करना है कि नहीं करना, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, लेकिन जनरली आपको अगर फिटनेस के लिए वेट लॉस के लिए आपने देखना है तो फिर ना लें, ठीक है। और ये हमारे जो है वो टोटल मैंने 5 से 6 जो है वो चीजें मैंने बता दी फैट लॉस के लिए। अब हम जो है वो इसी सेशन में अगर आप चाहें तो इसी सेशन में हम मास गेनिंग के लिए भी बात कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट सेशन में आप नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू तफसील से नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अर्जुन रॉय का एक सवाल है आदिल आपके लिए, ये पूछ रहे फिर प्रॉब्लम राइट जी। आदिल आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी हाँ, अर्जुन रॉय आपसे सवाल कर रहे हैं कि सर जिम करने वालों के लिए स्मोकिंग कितनी डेंजरस होती है, जो आदमी जिम करता है उसे स्मोकिंग करनी चाहिए कि नहीं, प्लीज हमें बताइए। अच्छा, स्मोकिंग के हवाले से मैं ये बता दूं कि काफी लोग करते हैं और स्मोकिंग जिम करने वालों के लिए तो डेंजरस वो वैसे ही है जिम करने वाला हो या ना हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और साथ में स्मोकिंग करते हैं तो ये ऐसी बात है, थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली भी बात है और काफी लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करें। इवन के जैसे कि काफी लोग जो हैं वो पहले से स्मोकिंग करते हुए आ रहे होते हैं और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ लोग एक्सरसाइज करने
करते हुए फिर बाद में स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं कुछ लड़के कुछ यंगस्टर्स हैं, तो उनके उनका भी स्टेमिना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। सही। तो स्मोकिंग जो है वो काफी डेंजरस है स्टेमिना के हिसाब से, स्टेमिना जो है ना वो सही आप प्रॉपर जो है ऐसी बात है उससे आपकी आपका जो सांस की जो वो है ना कैपेसिटी ऑक्सीजन कैपेसिटी वो काफी कम हो जाती है और स्मोकिंग जो है वो इस वजह से जो है वो डेंजरस है कि आप एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो वाला लेवल आपको आपकी एक्सरसाइज में वो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी आपकी सांस में ना, जो अगर वो 100% पे जा रही थी तो वो 100% नहीं जा पाएगी, जो आपका ऑप्टिमम लेवल है ना उस लेवल पे आप नहीं जा पाएंगे अगर आप स्मोक करें तो। तो स्मोकिंग तो किसी भी सूरत में इनकरेज नहीं इनकरेज मैं या फिर कोई भी नहीं कर सकता, डिस्करेज ही करते हैं स्मोकिंग को हमेशा, क्योंकि वो डेंजरस होती है हेल्थ के लिए। तो उम्मीद है कि इनको इसका जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल आदिल। अच्छा चले आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे मास गेनिंग की जो आपने कहा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक, अभी जब आप बता रहे थे सप्लीमेंट्स वगैरह के हिसाब से तो आपने बच्चों का जिक्र किया था, तो मैं चाह वैसे ये रही थी कि नेक्स्ट में हम बच्चों के सप्लीमेंट्स जो भी होते हैं या बच्चे किस तरह से अपनी डाइटिंग का ख्याल रखें ये सब कुछ करें डिस्कस, लेकिन चले वो फिर हम नेक्स्ट के बाद रख लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, हम बच्चों की डाइट के हवाले से भी बात करेंगे और उनकी रूटीन के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे कि वो किस किस्म का रूटीन जो है वो अपना सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बीच में बोला था कि बच्चों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या फिर कुछ उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो है वो थोड़ी तेजी आनी चाहिए आजकल ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह ने यूट्यूब ने जो है वो बच्चों की रूटीन बिल्कुल समझ लें बहुत ज्यादा ना डिमोलिश कर दिए। और मुझे बड़ा वो होता है कि बच्चे जो है वो गेम्स और दूसरी चीजों में पड़े हैं, हालांकि मैं भी बहुत बहुत शौकीन था गेम्स वगैरह का, लेकिन अब जो दौर आ गया, अब जो एरा चल रहा है ये स्मार्टफोन का और दूसरी चीजों का, तो उसमें तो समझ लें बहुत ज्यादा डिजास्टर है बच्चों के लिए ना कि वो कोई ऐसी एक्टिव, अब देखे ना ना कोई फुटबॉल का गेम हो रहा है कि वो टीवी, पहले क्या होता था वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट होता था तो आप गली मोहल्लों में देख रहे होते थे सारे क्रिकेट खेल रहे होते थे, मुझे याद है। वैसे कभी पाकिस्तान हार जाता था कि कोई सीरीज हार जाता था तो क्रिकेट वगैरह आपको नजर नहीं आती थी, जैसे ही कोई दूसरी कोई सीरीज स्टार्ट होती थी यहाँ पे वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट होता था तो लोग फिर से जो है वो एक जोश आ जाता था बच्चों में और वो क्रिकेट वगैरह स्टार्ट कर देते थे। इवन के फीफा होता था फुटबॉल होता था तो लोग बेचारे बच्चे जो है गली के कोनों में पत्थर लगा के गोल एक वो बनाते थे और वहां पर जो है वो गोलकीपर एक खड़ा हुआ होता था, हम लोग भी यही करते थे क्या ग्राउंड्स वगैरह अगर नहीं होते थे एक्सेसिबल तो यही करते थे, फुटबॉल खेलना शुरू, फीफा होता था तो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता था क्रिकेट कोई सीरीज होती थी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। तो ये चीजें अब आप देख रहे हैं ना अब नहीं मिल रही, इवन कि मैं अपने मोहल्ले में भी देखता हूँ तो बच्चे इतने ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे, साइकिलिंग वगैरह नहीं कर रहे बच्चे, सिर्फ जो है वो कोई किसी उसमें कोई किसी गेम्स में लगा हुआ है, कोई स्मार्टफोन लगा हुआ है, कोई जो है वो यूट्यूब देख रहा है। तो ये चीजें ना ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के खाते हैं और उनको नींद आ जाती है फिर वो सो जाते हैं फिर सुबह उठते हैं, पढ़ाई वढ़ाई अभी हो नहीं रही। तो ये काफी चीजें डेंजरस हो रही हैं जो अभी बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। सही बात है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह, डाइट में बात करेंगे क्या क्या वो चीजें ले सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू सो मच। और हमारे लिसनर्स बहुत मुझे फीडबैक मिल रहा है लिसनर्स की तरफ से, अक्सर लोग मुझे बता रहे होते हैं कि आपके सेगमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से आप समझाते हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच। अगर मैं यही दोबारा से बोलूंगा कि मैं तो अच्छी नीयत से, मेरी नीयत यही होती है कि अगर मेरे से किसी को जाए कोई भी थोड़ा सा भी कोई फायदा हो जाए उसको थोड़ी सी टिप या ट्रिक मिल जाए तो मेरा जो है वो सेशन का जो है ना वो समझ लें उसके पैसे वसूल हो गए, बिल्कुल उसकी जो भी मेहनत है वो वसूल हो गई।